हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एंड यस, आज मैंने ढेर सारा होम एंड किचन एंड गार्डनिंग से रिलेटेड वगैरह, जैसे गार्डनिंग वगैरह में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, सभी मीशो के हैं, आपको टाइटल देख कर पता ही चल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड उसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगी, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पे भी काफी अमेजिंग रिस्पॉन्सेज हैं आपके। एंड वहां पर आपको लिंक के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वहां पे आपको तुरंत लिंक मिल जाती है आपके पर्सनल डीएम पे। तो सबसे पहले आप ये वाला देख लो, ये काफी अमेजिंग लग रहा है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। एंड कुछ इस तरीके से लीव्स बनी है, ड्रेनेज हॉल भी दिया गया है। तो जैसे कि आप जैसे पानी वगैरह कभी कभी डालते हो ना, तो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है एंड वो नीचे रह जाता है, फिर जड़े सड़ने की बहुत दिक्कत रहती है। तो ये जो है ना, एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए है एंड मुझे ये बहुत सही लगा। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अभी टूट जाते हैं। सिरेमिक वाले जितने भी हैं मैंने आज तक लिए ना, वो सब टूट गए मेरे, तो अभी मैंने इस बार प्लास्टिक के ही बर्तन लिए हैं। नेक्स्ट आप देख लो, ये काफी सुंदर सा आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है, बुद्धा का डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है इस तरीके से, ये देख पा रहे हो। ये भी प्लास्टिक में ही रहने वाला है, क्वालिटी काफी अच्छी है, साइज भी काफी अच्छा है एंड प्राइस भी काफी अच्छा है। क्वालिटी आप देख लो, क्वालिटी आपके सामने है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अनफिनिशिंग देखो यार, एकदम बिल्कुल सिरेमिक जैसा ही लग रहा है ना। यस, एक बार मंगा लो एंड टूटने की कोई झंझट नहीं है, सालों साल चलने वाला है। एंड नेक्स्ट आप देख लो, ये काफी प्यारा लग रहा है एंड ये काफी बड़े साइज का है, और मुझे इसके ना चार पांच और मंगाने, मतलब ढेर सारे मुझे लगाने हैं पौधे। तो ये काफी सही है, साइज काफी अच्छा है और इसका डिजाइन देखो कितना प्यारा लग रहा है। फिनिशिंग देख लो, अंदर इसमें भी ड्रेनेज होल दी गई है, तो इजिली आप जितना एक्स्ट्रा पानी होगा आराम से निकल जाएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वाला देख लो, ये भी काफी सुंदर लग रहा है। तो अगर इसके चार पांच छह सेट आप एक साथ ऐसे लगा देते हो बालकनी में, कितना प्यारा लगेगा इस तरीके से। ये निकल भी जाता है इस तरीके से एंड काफी अच्छा, इसमें कोई ड्रेनेज होल नहीं दिया गया है, सो ये सिंपल है एंड नॉर्मल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं, काफी अच्छा लग रहा है इस तरीके से, है ना। तो कितने प्यारे लग रहे ना, और ऐसे भी आप रखोगे ना तो भी काफी अच्छे लगेंगे। तो जल्दी से ये भी देख लेना, बहुत कम प्राइस में, आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, देख लेना, शायद लिंक मैंने डाल दी होगी, एक बार चेक कर। तो प्यारा सा आपको इस तरीके से मिल जाने वाला है, बहुत प्यारा सा डिजाइन है गाइज। इस तरीके की मैं ना सिरेमिक के देखती थी एंड फाइनली मैंने प्लास्टिक में बाय करे, बिकॉज ये लुक वैसा ही दे रहे हैं, प्राइस भी कम है और लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं। सिरेमिक वाले अच्छे तो दिखते हैं, यस आई नो, बट टूटने का बहुत, मैंने बहुत सारे तो मतलब मेरे हाथ से बहुत टूटे हैं एंड कभी कभी अपने आप ही थोड़ा भी लग जाता है ना तो टूट जाता है। तो इस तरीके से मुझे है ना ये प्लास्टिक वाले बहुत सही है, क्वालिटी इनकी भी बहुत अच्छी है, देख लो, है ना। फिर बहुत सारी चीजों में जो व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, ये दो कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे कोई भी चीज मैं लेके जाऊं मुझे दो कलर बहुत अच्छे लगते हैं। एंड पॉट्स का क्या है ना कि अगर व्हाइट कलर के आप लेते हो ना, उसमें ग्रीनरी काफी अच्छे से उभर के आती है, तो इसलिए मैंने व्हाइट लिया। बाकी कलर ऑप्शंस बहुत सारे मैंने डाले हैं, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। आपको ये वाले भी मिल जाएंगे इस तरीके से, देख पा रहे हो कितना प्यारा डिजाइन इसमें बनाया गया है। गांव में पहले इस तरीके का छीका होता था ना, शिकार होता था, शिकार या छीका कुछ तो बोलते हैं, एंड उसको ऐसे लगा देते थे बिल्ली से दूध बचाने के लिए एंड रोटी वगैरह रखने के लिए होता था, बट अभी ये थोड़ा फैशन में आ गया, इसमें आप जो है कुछ भी हैंग कर सकते हैं। तरीके से आपको बहुत ही प्यारा सा देख पा रहे हो मिरर मिल जाने वाला है, है ना, पूरा थ्रेड से बना हुआ हैंगिंग आपको जो है इस तरीके से मिल जाएगा। तो इसको पर्सनली मैंने मेरे एंट्रेंस में लगाने के लिए सोचा है, बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे भी एंट्रेंस में मिरर लगाना चाहिए, काफी अच्छा होता है वास्तु के हिसाब से, ये काफी अच्छा लगा, ये भी आप चेकआउट कर लेना, ये देखो, है ना। और मुझसे है ना काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो थ्रेड है ना कुछ टाइम बाद गंदे हो जाते हैं, इनको साफ कैसे करें? यार बहुत इजी है इनको साफ करना, गर्म पानी से साफ कर लो या फिर हल्का सा सर्फ वाला पानी ले लो, लगा लो ब्रश से हल्का हल्का कर दो, साफ हो गया, धूप में रख दो, इजी है इनको साफ करना। नेक्स्ट आप देख लो, ये कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही प्यारा सा, मुझे ना ये वाला बहुत सुंदर लगा है एंड इसको मैं सोच रही हूँ कहीं पर तो लगाने के लिए, बहुत प्यारा लगेगा, या तो किचन में लगाऊंगी, किचन में लगाऊंगी तो ऑयल बहुत ज्यादा रहता है वहां पे, तो ऑयल वगैरह बनाते टाइम इसमें छीटे भी रहता, तो वहां पे मैं सोच रही हूँ कि नहीं लगाऊं, कहीं और पे सोच रही हूँ लगाने के, लाइक कि इसको मैं
डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकती हूँ एंड अगर मुझे कोई चीज रखने के लिए चाहिए जैसे वॉशरूम हो गया, बाथरूम हो गया, वहां पे भी आप लगा सकते हो, है ना। तो इसकी भी क्वालिटी 10/10 है, काफी अच्छा लग रहा है एंड सजा के भी मैंने आपको दिखाया, उसका भी क्लिप मैं लगा दूंगी साइड में, आपको पता चल जाएगा। काफी अच्छा यार, मतलब क्वालिटी देखो यार इसकी कितनी अच्छी है। नेक्स्ट आप देख लो कि कितना प्यारा सा आपको जो है मैक्रम थ्रेड का मिल जाता है हैंगिंग। यहाँ पे आप जो है हैंग प्लांट्स वगैरह हैंग कर सकते हो, है ना। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, प्लांट्स लगाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आप देख लो, यहाँ पर अभी तो आपको ये डोरी जैसी दिख रही होगी बट इसके बीच में आप जो है इस तरीके से प्लांट्स वगैरह रख सकते हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा प्लांट भी आप इसके अंदर रख सकते हो। क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। सो आई होप कि मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है एंड या अगर कुछ भी इनमें से पसंद आ रहा है, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो। एंड आज मैंने थोड़ा मेकअप कम किया है तो उसके लिए उसको जाने दो, मुझे मेकअप करना ज्यादा पसंद नहीं है। सो चलिए गाइज, अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वहां पे ना जो लिंक मैंने दिया है ना, वहां पे वो लिंक छोटे से वीडियो का है, उस पर आप क्लिक करोगे वो वीडियो आपके सामने प्ले होगा एंड वीडियो के राइट कॉर्नर पे थोड़ा सा नीचे देखना, पीले कलर का शॉप नाउ बटन होगा, उस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने पूरी लिस्ट जो भी मैंने आज दिखाई है वो खुल जाएगी एंड सामने ही शॉप लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मीशो पे चले जाएंगे, वहां से आप शॉपिंग प्लेस मतलब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाय गाइस।